हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हुई बर्फबारी के बाद पर्यटकों ने पहाड़ों का रुख करना शुरू कर दिया है। लाहौल स्पीति, कुल्लू, मनाली और शिमला के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। कोरोना की मार के बाद विंटर सीजन में पर्यटन को नए पंख लग गए हैं। इस वर्ष 31 अक्टूबर तक 1,27,00,000 पर्यटक हिमाचल प्रदेश की वादियों के दीदार में आ चुके हैं। पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक अमित कश्यप ने बताया कि हिमाचल प्रदेश की जीडीपी में पर्यटन कारोबार का 7.3% हिस्सा है। हर साल करोड़ों की संख्या में पर्यटक वादियों का दीदार करने पहुंचते हैं। हिमाचल प्रदेश में हर साल करीब 1,70,00,000 तक पर्यटक घूमने पहुंचते हैं। उज्जवल हिमाचल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला। जो हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी है, मुख्यतः 4 स्तंभ इसके माने गए हैं और उसमें से एक स्तंभ जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है वो है पर्यटन क्षेत्र जो हमारा है। इसका जो योगदान है स्टेट की जीडीपी की तरफ वो 60.3% है और प्री कोविड ईयर्स की अगर मैं बात करूँ कि 2020 से पहले तो अमूमन जो है यहाँ पर 1,70,00,000 से 1,75,00,000 के बीच में जो है टूरिस्ट हमारे प्रदेश में आता था। परंतु जो पहला कोविड का वर्ष था 2020, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो प्रदेश हैं देश में हमारे, उसमें कर्फ्यू या लॉकडाउन की अवस्था थी तो लोगों की आवाजाही जो है पूरी तरीके से जो है वो रुक गई थी। 2020 में मात्र जो है 32 से 33 लाख के बीच में जो टूरिस्ट हमारे प्रदेश में आया था। पिछला जो वर्ष था जिसमें आंशिक रूप से जो है इसका प्रकोप कोविड का अभी तक जारी था, उस वर्ष में जो है 56 से 57 लाख के बीच में जो है पर्यटक हमारे प्रदेश में आया था। इस वर्ष की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि अभी इस महामारी का प्रकोप जो है काफ़ी हद तक जो है इसमें गिरावट आई है, कम हुआ है इसका प्रकोप, तो अक्टूबर एंड तक के जो हमारे पास आंकड़े हैं इसमें 1,27,00,000 टूरिस्ट जो है अभी तक हमारे प्रदेश में आ चुका है। देखिए, सर्दियां तो अभी शुरू हो रही है, जैसे बर्फबारी का सीज़न अभी शुरू होगा और ट्रेडिशनली जो है ये हमेशा देखा गया है कि टूरिस्ट फुटफॉल जो है काफ़ी इन महीनों में यहाँ पर रहता है। और जो मेरे पास आंकड़े हैं लाहौल की तरफ अभी भी जो है टूरिस्ट कुल्लू मनाली में और लाहौल की तरफ जो है काफ़ी टूरिस्ट वहाँ पर अभी भी जा रहे हैं। और अटल टनल के खुलने से, क्योंकि अब लाहौल वैली काफ़ी देर तक खुली रहती है तो लोगों को एक नॉवल्टी वहाँ पर होती है, तो वो काफ़ी जो है वहाँ पर तादाद में टूरिस्ट उस ओर जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स।